आदरणीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय मंत्री वित्त एवं शहरी विकास एवं आवास, आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, डॉक्टर धन सिंह रावत, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, साथ ही माननीय सांसद टीरी गढ़वाल, आदरणीय श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, कृपया आप सभी लोग मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा श्री आर के सुधांशु सर, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को प्लांट्स भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय श्री सचिन कुर्बे सर, सचिव पर्यटन जी, इनको रामायण हमारी रामचरितमानस प्रस्तुत करते हुए मेरा अनुरोध, सचिन कुर्बे सर, सचिव पर्यटन, आप कृपया श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय मंत्री वित्त एवं शहरी विकास एवं आवास, उनको प्लांट्स उपलब्ध करके, उनको प्लांट्स देकर भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव कृषि, कृपया आप माननीय मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास, आदरणीय श्री गणेश जोशी जी का प्लांट भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे और उसके साथ साथ ही रामचरितमानस पुस्तिका उनको भेंट करेंगे। स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा श्री शैलेश बगोली सर, सचिव उच्च शिक्षा, कि आप डॉक्टर धन सिंह रावत, माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का प्लांट भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे, साथ ही रामचरितमानस पुस्तक भी उन्हें भेंट करेंगे। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय श्री आर मीनाक्षी सुंदरम सर, सचिव नियोजन विभाग, कृपया आप माननीय सांसद टीरी गढ़वाल, आदरणीय श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को प्लांट भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच जो उपस्थित हैं माननीय सांसद टीरी गढ़वाल, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, साथ ही रामचरितमानस की पुस्तिका उनको भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही पुनः मेरा सर से अनुरोध रहेगा, कृपया हमारे बीच में जो हमारी चीफ सेक्रेटरी महोदया मैडम उपस्थित हैं, कृपया आप उनको भी प्लांट्स और रामचरितमानस पुस्तिका के साथ में उनका अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। सर, सर जी, मैंने सर से अनुरोध किया जी। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय चीफ सेक्रेटरी मैडम से कि कृपया इस कार्यक्रम की जो भूमिका है, इसकी जो उपयोगिता है, उसके बारे में संबोधन करना चाहेंगे। चीफ सेक्रेटरी मैम श्रीमती राधा रतोड़ी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री अग्रवाल जी, जोशी जी, धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक, सम्मानित विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग
संभवतः प्रदेश का सबसे बड़ा शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करा रहे हैं, जहाँ पे 8,275.41 करोड़ की योजनाओं का सर लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से होगा। ये प्रदेश के लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का पल है, जिस समय इतने सशक्त उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इतनी सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पे मुख्यमंत्री जी एक साथ करेंगे, और राज्य की आर्थिकी को दुगना करने के लिए इस इन सभी कार्यक्रमों का बहुत बड़ा योगदान होगा। उसमें निजी निवेश भी हम लोग इन्वेस्टर समिट से आमंत्रित कर रहे हैं, और राज्य का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी साथ साथ बढ़ रहा है। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 विभागों की 122 योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, जिसका कुल लागत 8,275.61 करोड़ है। तो ये इसके लिए मैं सभी विभागों को और नियोजन विभाग को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम सबने मिल के सर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये बहुत एक अच्छा संकेत है, इससे ये समझ में आता है कि सरकार का जो भी काम है वो एक टीम वर्क है, कोई अलग अलग विभाग में बंट के काम नहीं हो रहा है, लेकिन सब विभाग साथ में संयुक्त रूप से सरकार के अंग की तरह काम कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण और सभी अधिकारी जो प्रदेश के जनपदों में भी जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपने संबोधन किया, उद्बोधन किया कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों का डिजिटल डिस्प्ले वर्चुअल मोड के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी संबंधित टीम को कि जिस हिसाब से वर्चुअल मोड और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से माउस क्लिक करके ये लोकार्पण कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम किया जाना है, आप लोग कृपया मंच पर आएंगे। सत्रह विभागों की 122 विकास कार्यक्रम, इनका डिजिटल डिस्प्ले वर्चुअल मोड के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
बहुत ही हर्ष एवं गर्व का विषय आज माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित मंच द्वारा ये शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से पूरे राज्य भर में एक साथ 122 विकास परियोजनाओं का 8275 करोड़ धनराशि के लिए उत्तराखंड प्रदेश को समर्पित, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में लोकार्पण संबंधी प्रमुख योजनाएं जो आज आपने यहाँ पर वीडियो भी देखा और जो शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं, उसमें जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में काली नदी के तटबंध सुदृढ़ीकरण की लगभग 91 करोड़ की योजना सम्मिलित है। साथ ही नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत रिस्पना एवं बिंदाल नदी में IDF कार्य केंद्र पोषित 67 करोड़ की योजना सम्मिलित है। साथ ही ऋषिकेश देहात पंपिंग पेयजल योजना 65 करोड़, जीवनगढ़ पंपिंग पेयजल योजना 60 करोड़, नत्थनपुर पंपिंग पेयजल योजना 66 करोड़ तथा 152 करोड़ की ढालीपुर जल विद्युत परियोजना। इसके साथ साथ ही शिलान्यास संबंधी प्रमुख योजनाओं में ADB की 162 करोड़ की और एडिशनल फाइनेंस ADB 2163 करोड़ की योजना सम्मिलित है। इसी तरह से ADB की 613 करोड़ की इंटरसेप्शन एंड डिवीजन IND STP 8 MLD STP इन सब योजनाओं को मिलाकर 94 करोड़ की योजनाएं और IND सपेरा बस्ती देहरादून के लिए 78 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध रहेगा सचिव ऊर्जा आदरणीय डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर और MD पिटकुल कि वे डिविडेंड चेक हस्तगत करेंगे। डिविडेंड चेक का हस्तगत किया जाना है यहाँ पर आदरणीय सचिव ऊर्जा और MD पिटकुल और संबंधित टीम, आपसे अनुरोध कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को डिविडेंड चेक हस्तगत करेंगे। ये 5 करोड़ का चेक, यहाँ पर डिविडेंड चेक हस्तगत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में मेरा पुनः अनुरोध रहेगा सचिव ऊर्जा, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का शिलान्यास किया जाना है, तो मैं संबंधित टीम को आमंत्रित करूंगी कि कृपया वो स्टेज पर आएं और इस कार्यक्रम में हेल्प करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर शिलान्यास ये समस्त टीम माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ अभिनंदन एवं स्वागत करना चाह रही है। समस्त टीम स्मार्ट मीटरों की स्थापना का कार्य केंद्र पोषित RDSS योजना के तहत। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। स्मार्ट मीटर शिलान्यास, ये इस योजना की लागत लगभग 2027 करोड़ है और योजना का कवरेज 15 लाख उपभोक्ता, लगभग 60,000 ट्रांसफॉर्मर और 2,600 फीडर। माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल के साथ में और पुष्पगुच्छ के साथ में उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए समस्त टीम। स्मार्ट मीटर की एक कार्य योजना की अवधि 10 वर्ष की है और जो कार्यदायी संस्था है मैसर्स जीनस पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड कुमाऊं क्षेत्र के लिए और मैसर्स जीनस
गढ़वाल क्षेत्र के लिए। पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। समस्त टीम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल ओढ़ाकर उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए टीम के सदस्य, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध रहेगा, उत्तराखंड बिल्डिंग एवं अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा ईडीपी और आरपीएल द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले चुके लाभार्थियों को यहाँ पर टूल किट का वितरण किया जाना है। उसके लिए मैं आपकी जो टीम के सदस्य हैं उनको आमंत्रित करूंगी, कृपया वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उत्तराखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की ओर से आपके सानिध्य में हम सभी उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों को लगातार ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड के अंतर्गत जितने भी श्रमिक पंजीकृत श्रमिकों को अभी ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें समस्त उत्तराखंड के अंदर 1,25,000 की किटें दी जाएंगी, और जो जनपदों के अंदर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सभी को ये टूल किटें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जो भी हमारे ये श्रमिक हैं उनको टूल किट, हम कुछ 5 टूल किटें अभी व्यवस्था के रूप में लेकर आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी उमेर, अदीन, राजेश, श्रीचंद्र, हारून एन, फारूक, इमरान, आप सभी मंच के पास आ जाएं। तो मैं अभी निवेदन करूंगी उमेर दीन जी से कि ये सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के करकमलों से जो टूल किटें प्राप्त हो रही हैं ये सब आपके आशीर्वादों से ही इनके जीवन में, जो उमेर दीन, राजेश जी, श्रीचंद्र जी, हारून जी, उमेर दीन मंच के पास आ जाएं। आप सभी से तालियों की अपेक्षा के साथ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सेक्रेटरी यूके बीओसी बोर्ड सर से भी निवेदन करूंगी, हमारे चेयरमैन सर उत्तराखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के श्री आर मीनाक्षी सुंदरम सर, आप सभी के सानिध्य में इन्हें एक कुशल श्रमिक के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे निवेदन करूंगी राजेश जी आप भी मंच के पास आ जाएं। इसके बाद श्री चंद जी आप भी, आप सभी की तालियों की अपेक्षा के साथ, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में ही ये पॉसिबल हो पाया है कि सभी श्रमिक आज अपने जो एक श्रमिक की जो श्रेणी है उससे अर्ध कुशल की श्रेणी में आ गए हैं, और आपका मिनिमम वेजेस भी बढ़ चुका है। तो आप सभी से तालियों की अपेक्षा के साथ श्री चंद्र जी, हरुण जी, बोर्ड द्वारा ये जो श्रृंखला है ऐसे ही समस्त उत्तराखंड के लिए चल रही है, जिसके अंतर्गत 1,25,000 की ये टूल किट हम सभी पंजीकृत श्रमिकों को दे रहे हैं। इसके बाद इमरान जी आप भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसकी बीच में मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर, हमने हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है उन्होंने अपने हाथों से कुछ हैंडमेड क्राफ्ट करके आपके सम्मान में आपको प्रस्तुत करने के लिए लेकर आए हैं। मैं निवेदन करूंगी रेशमा रावत जी, आप एक स्किल्ड ट्रेनर हमारे अभी उत्तराखंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर है, आपने अपने हाथों से ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये सब हैंडमेड आपके लिए एक किट तैयार की है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भावनाएं अपनी समर्पित कर रही हैं। इसके बाद निवेदन करूंगी हमारी मुख्य सचिव महोदया, आपको भी ये, आपकी तालियों का साथ मुझे चाहिए होगा, इसके साथ ही मुख्य सचिव महोदया को भी हैंडमेड जो आपने अपने हाथों से ये ट्रेनिंग के दौरान सीखा है, ये स्किल जो इनके अंदर आया है आपको समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस कंपनी के द्वारा इन्हें ये सभी स्किल्स प्रोवाइड करे गए हैं, डॉक्टर विक्रम गुप्ता एमडी जीएनजी, आप भी भेंट स्वरूप आपको ये समर्पित कर रहे हैं, और आपके साथ अक्षय अग्रवाल जी डायरेक्टर जीएनजी आप भी समर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी हमारे बोर्ड के चेयरमैन सर आर मीनाक्षी सुंदरम सर को भी आप अपनी भावनाएं इस रूप में समर्पित कर रहे हैं कि आपके
नेतृत्व में ये सभी पॉसिबल हो पाया है कि आज जितने भी ट्रेनी वर्कर्स हैं, स्पेशली महिलाएं हैं, उन सभी को ये ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्होंने अपने जो स्किल्ड है उनको बिल्ड किया है और आज वो मिनिमम वेजेस से अपने आप को स्किल करने के उपरांत बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में सौर परियोजनाओं का भी सौर परियोजनाओं का आवंटन पत्र भी हस्तगत किया जाना है। कृपया आप सभी लोग जो टीम है यहाँ पर स्टेज की तरफ आएंगे, क्योंकि पूरी टीम सर अनुरोध रहेगा सौर परियोजनाओं का आवंटन पत्र हस्तगत किया जाना है। इसमें टेकनॉक्स इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कृपया आप सभी लोग जो टीम है, संबंधित टीम, स्टेज की तरफ आ जाएं। और जी सर्वप्रथम टेकनॉक्स इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जी, इसके बाद काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल प्राइवेट लिमिटेड, एविंशिया रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड, देवार्पण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही श्रीजी प्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड। ये पांच औद्योगिक कंपनीज हैं जिनको कैप्टिव सोलर प्लांट हेतु कुल क्षमता 5.6 मेगावाट का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही चार व्यक्तिगत लाभार्थी हैं जिनको मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन पत्र निर्गत किए जाने हैं। व्यक्तिगत लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन पत्र निर्गत किए जाने हैं, जिसमें श्री यश बालियान, श्री यश बालियान, तालियों से एक सभी लोगों को एक एंकरेजमेंट मिलता है, कृपया तालियां बजते रहनी चाहिए, श्रीमती कमला देवी, इसी क्रम में श्रीमती कमला देवी, श्री भारत शर्मा, ये श्रीमती कमला देवी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अपना आवंटन पत्र लेते हुए, श्री भारत शर्मा, इनके पश्चात श्री अनिलेश, श्री अनिलेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपना आवंटन पत्र लेते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, समस्त सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी कि वो अपना उद्बोधन एवं संबोधन इस सभा को करना चाहेंगे। भारत माता की, संख्या बहुत सारी है और आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तो आवाज थोड़ा तेज करनी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, अधिकारी लोग हाथ नहीं उठाते ना, वो नारे नहीं लगाते, अब सभी को करना पड़ेगा। भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस कार्यक्रम में हम सभी के बहुत ही आदरणीय, हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही
यशस्वी माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी, हमारे विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विनोद चमोली जी, शक्तिलाल शाह जी, डॉक्टर मोहन जी, हमारे डोभाल जी, आदरणीय हमारे भाई दुर्गेश जी और हमारे सम्मुख हमारी सीएस राधा रतुड़ी जी, अधिकारियों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, इसलिए मैं तमाम मेरे उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे लाभार्थीगण और प्रदेश भर से जुड़े तमाम मेरे अधिकारी और सामान्य उपस्थिति, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आज हजारों करोड़ कितना 8275 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम आपके द्वारा हुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, बहुत बधाई दे रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम, पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहला होगा, उसके लिए भी ताली बहुत थोड़ी है, यदि पहला है तो ताली जोर से बजनी चाहिए। अनेकों कार्यक्रम हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के कार्यक्रम हुए हैं, हजार करोड़ को भी सुन लिए थे, लेकिन 8275 करोड़ का कार्यक्रम मैं समझता हूं पहला है हमारे उत्तराखंड के इतिहास में। और ये दर्शाता है कि हमारी सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, कितने कार्यक्रम लगातार कर रही है, विकास कार्य कर रही है। और ये भी कह सकता हूं कि जैसा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमें सिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उस मूल मंत्र को लेकर हमारी ये सरकार काम कर रही है। और उसी प्रकार जैसे माननीय मोदी जी ने 2014 में जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और एक बात कही थी कि देश के अंदर जो मैं शिलान्यास करूंगा या जो शिलान्यास होंगे उनका लोकार्पण भी होगा, यानी कि जनता को विश्वास हो सके कि सारे काम खाली दिखावा बोर्ड नहीं लगेंगे, और उसी आधार पे, उसी पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी संकल्प लिया, और संकल्प ही नहीं लिया, उसको साकार रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा आपने भी एक मंत्र हमें सभी को दिया है कि हम संकल्प लें इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, हम संकल्प लें कि अपना 25 वर्ष का जब ये उत्तराखंड हो और इस 25 वर्ष के उत्तराखंड में, देखिए हम जानते हैं कि आज लगभग 23 वर्ष से थोड़ा ऊपर हमें हुआ है, अभी 1.5 वर्ष हमारे सामने है। खाली सरकार की जिम्मेवारी बनते ऐसा नहीं है, यहां अधिकारी बैठे हैं जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, वो सब लाभार्थी हैं, प्रदेश की जनता है, तमाम लोग, इसमें कोई जाति भेद धर्म राजनीतिक दल नहीं है। हम सभी को संकल्पित होना होगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा जब ये 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा तो हम लोग अन्य राज्यों की तुलना में हमारा राज्य भी श्रेष्ठ श्रेणी में शुमार हो और उसमें हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। जो मैंने कहा हम सभी लोग जो उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, सबकी भावना एक होनी चाहिए। भाई बहनों, जब ये उत्तराखंड बना था तब किसी ने सोचा नहीं था कि हम इतने आगे तक बढ़ जाएंगे। सरकार आती है चली जाती है, लेकिन सरकार यदि ईमानदारी से काम करती है, सरकार यदि कर्मठता के साथ काम करती है, संकल्पित होकर काम करती है, तो मैं समझता हूं कि जनता भी उसे आशीर्वाद देती है। इसीलिए 2022 में हमारी जनता ने हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी को आशीर्वाद दिया और आज हम विकास के नाते वो वापसी करके हम जनता को दे रहे हैं। ये 8275 करोड़, ये सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा है, ये भी लगता है कि इतने सारे कार्य हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी आदरणीय हमारे मित्र हैं हरीश जी, उनसे कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो है पिच पे खड़े होकर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि सामने वाला जो भी है उसने हमें वॉकओवर ही दे दिया है। आज हम लोग जितने यहां लोग हैं सब आपको बधाई देने के लिए आए हैं, मैं जितनी जगह पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं, और निश्चित रूप से
ये माने मुख्यमंत्री जी का स्वभाव विकल्प रही संकल्प के आधार पे हम लोग काम करें। बहुत ज्यादा मैं बोलते हैं चूंकि माने मुख्यमंत्री जी के लगातार बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमें भी दूसरे कार्यक्रमों में जाना है। मैं आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं, और ये बात सच है कि देखिए ना तो दिन हमारे लिए है ना रात हमारे लिए है, और अधिकारियों के लिए तो रविवार एक ही दिन होता है, लेकिन उसमें भी आप लोग आए, मैं आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और ये सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर धन सिंह रावत माननीय मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता उच्च शिक्षा विद्यालय शिक्षा कि आप हमारी इस सभा को उद्बोधन कर ग्रहित करेंगे। भारत माता की। सम्मानित हमारे 6 विधायक लोग बैठे हमारे, और नाम लूंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, सभी पत्रकार मित्रों, और आज वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के लोग जुड़े हमसे, विधायक लोग भी हैं, सांसद लोग भी हैं, यहाँ पे बैठे हमारे सभी अधिकारीगण। आज उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा दिन है कि 8,500 करोड़ रुपए के कार्यक्रमों का यहाँ पे शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। आजाद भारत में जब इतने बड़े काम मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होते हैं तो कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता है, और उत्तराखंड में तो शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिस परिवार को सरकार कुछ ना कुछ दे नहीं रही हो, एक भी परिवार ऐसा नहीं कि जो लाभार्थी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाभार्थियों से संपर्क करो, तो मैं 27 गांव में गया और मैंने कहा भाई जो जो लाभार्थी है हाथ खड़े करो, तो सबके हाथ उठ गए। मैंने कहा जो लाभार्थी नहीं है वो हाथ खड़े करो, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जो लाभार्थी। अब ये जो मैसेज है, इस मैसेज को हमने कैसे देना है, इसके लिए हमको थोड़ा सी और मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब मोदी जी के जमाने में और धामी जी के जमाने में एक नया शब्द आ गया DBT। तो क्या होता है कि अगर हम लड़के को कुछ दे रहे हैं तो पिताजी लड़के को नहीं बता रहे, बहू को कुछ दे रहे हैं तो सास को नहीं बता रहे, सास को कुछ दे रहे हैं तो लड़की को नहीं बता रहे। तो मेरा प्रेस के लोगों से भी निवेदन यह है, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, मैंने कहा कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो 2 लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने तो मैं थोड़ा फट से पकड़ देता हूँ, मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, कहा साहब क्या बताओ मंत्री जी, मैंने कहा क्या हुआ कि मेरे भाई के खाते में आ गया और वो मुझे नहीं दिया उसने, तो मैंने कहा 2 अलग अलग होने पड़ रहे हमको। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम बच्चों को बैग का पैसा दे रहे हैं, जूते का पैसा देते हैं, किताबें देते हैं, सब DVD देते हैं, बच्चों को पूछो मिल गया बच्चों कि मंत्री जी पता नहीं है, फिर पिताजी को फोन करो हाँ हाँ मिल गया साहब हमको पैसा। तो अब बड़ा काम यह हमारे लिए कि हर व्यक्ति को जब हम पैसा देते हैं तो ये भी हमको देना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति सब पूरे परिवार में कैसा पता चले, ये हमको बताना पड़ेगा। एक दूसरा मेरा कहना आप लोगों से कि इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि 58,000 किलोमीटर रोड पूरे जो है भारत में NH बने हैं, कांग्रेस के जमाने में 8 किलोमीटर पर जो है डे रोड बनती थी और आज मोदी जी के जमाने में 30 किलोमीटर रोड पर डे बन रही है। उत्तराखंड का कोई गांव अब ऐसा नहीं जिस गांव को रोड कनेक्टिविटी न दी गई हो, थोड़ा बहुत वन विभाग की कहीं दिक्कत होगी तो अलग बात है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो 100% गांव में रोड चलेगी। अब मुख्यमंत्री जी एक दिक्कत और आ रही है, जैसे हम गांव में रोड दे रहे हैं लोग ट्रक लेके जो है और सामान लेके दे रहा दोनों आ जा रहे हैं, तो एक बड़ी सहूलियत हो गई ये भी
कि हमको पलायन रोकने के लिए हम रोड दे रहे हैं, लोग जो है उसका बहुत अच्छा उपयोग कर दे रहे हैं। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, पहले दादा को पेंशन मिलती थी दादी को नहीं मिलती थी, ताई को पेंशन मिलती थी ताऊ को नहीं मिलती, दोनों में झगड़ा होता रहता था। जैसे हमारी सरकार है, दादा भी खुश है और दादी भी खुश है, 1500 रुपये दादी को मिल रही, 1500 रुपये दादा को मिल रही। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आज इतना बड़ा काम हुआ है कि मुझे लगता है कि आजाद भारत में कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ, और हर क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं। रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए। पहले हल लगाने वाले भटकते रहे थे, आज सरकार हल भी दे रही है, यहाँ तक कि जो गांव में ढोल दमाव बजाते हैं उनको ढोल दमाव भी दे रही है, मुसकबाज भी दे रही है कि बजाओ भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि हमको थोड़ा इसका प्रचार प्रसार और अच्छा करना पड़ेगा, एक। और एक, मैं चूँकि यहाँ पे सभी अधिकारी भी है, हम लोग जब भी मुख्यमंत्री जी कहीं उद्घाटन करते हैं तो बोल्ड भाई क्षेत्र में जरूर लगाने। होता क्या है कि मैं और मुख्यमंत्री जी, मैं 6 जिलों में गया उनके साथ में, 1-1000 उद्घाटन करते हम, और आप बोर्डों को क्या करते हो, कमरे में पैक कर देते हो। तो मेरा यहाँ पे सभी विभागों के विभागाध्यक्ष हैं और सचिव बैठे हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी के सामने ही कह रहा हूँ कि जहाँ भी रोड का उद्घाटन हो रहा है, शौचालय का बनना है, कोई जो है ये कोई भी काम हो रहा है, आप इसको धरातल पे हमको कैसे उतारना है, इसकी थोड़ा हमको वो करनी पड़ेगी। और मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी वो टनकपुर से आए, मुझे लग रहा था कि थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन समय पे आए और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मिल गई है। मैं उनको अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग सब इस कार्यक्रम में पधारे हैं। जो लोग वर्चुअली जुड़े हमसे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज विभिन्न विकास की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर जो एक बड़ी धनराशि एक साथ आज विकास कार्यों के लिए आगे जा रही है, लोकार्पण और उनके शिलान्यास हो रहे हैं, लगभग 8,275 करोड़ रुपए की धनराशि। और वास्तव में ये आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस एक दिन शायद इससे पहले कभी इतनी सारी योजनाओं का और इतनी बड़ी धनराशि का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया होगा। इस समारोह में मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री, जो अनेकों विभागों के मंत्री हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन हमारे माननीय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल जी, पुरोला क्षेत्र के भाई दुर्गेश्वर लाल जी, लालकुआ से आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के भाई संजय डोभाल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी मुख्य सचिव, मातृशक्ति की प्रतीक, पहली मुख्य सचिव, पहली महिला प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संयोजन भी किया, यहाँ से समन्वय बनाया, हमारे सचिव नियोजन, और जिनके जो विभाग हैं उस विभाग की बड़ी भूमिका है इस 8,000 में, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, एवं हमारे सभी सचिवगण, श्री शैलेश जी, हमारे सचिन भाई, सचिन जी और राजेश जी समेत सभी, अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी आए हुए हमारे
सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलों में आज इस समारोह का जो अंग बन रहे हैं, आज समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी वार्डों के मेंबर एवं हमारे अन्य जगह से भी जो हमारे विधायकगण भी इसमें कहीं जुड़े होंगे, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी बंधु, जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहाँ मुख्य सेवक सदन, जो लोग पहली बार आए हैं उनका भी और जो इससे पहले के कार्यक्रमों में आए हैं उन सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर और यहाँ से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम, जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल न होकर सशरीर वहाँ पर होते तो और इसका बहुत, मतलब बहुत बड़ी धनराशि है और उनका अगर सशरीर साक्षात जाकर अगर लोकार्पण शिलान्यास होता, लेकिन चूंकि समय की भी कमी थी और अभी चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, इसलिए ये था कि पिछले अगले 2-2.5 महीनों तक ये काम रुक जाते, इसलिए आज यहीं से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। विकास कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए एक एक जगह पर जाकर ये कार्यक्रम करना भी संभव नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। हाँ, ये जरूर है कि जो धन सिंह जी ने कहा है कि इनके बोर्ड जरूर लग जाएं, मैडम ये सुनिश्चित करवा दीजिए सुधांशु जी कि सबके बोर्ड और ये लग जाएं, और अच्छा होगा कि सभी विभाग इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी लें। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का एक कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है, जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं, और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे
तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में, सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे, उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वह भी पिछले दो महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक ओर हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़ें, स्वरोजगार से जुड़ें, अन्य माध्यम से जुड़ें, इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। अगर हम आज के ही इस कार्यक्रम की बात करें तो हम सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, ऐसे कई जुड़े हुए विकास कार्यों के आज शुभारंभ कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश का वर्तमान जो है वो बेहतर हो सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जो धरातल पर उतरेगी, स्मार्ट मीटर की, इसके कारण से बहुत सारा हमारा संसाधन भी बचेगा, लाइन लॉसेज भी बचेंगे, जो बिजली की चोरी की समस्या आती है वो समस्या भी आएगी और लंबे समय से जो हमारा UPCL अनेक चुनौतियों से भी जूझ रहा है, हमारे बोर्ड अनेक चुनौतियां भी इनके सामने हैं और आने वाले भविष्य में इन चुनौतियों का भी धीरे धीरे इसका भी समाधान निकलेगा। एक ठोस तरीके से विभाग को चलाने के लिए या विभाग की आगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेगा। भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेज़ी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से
सक्षम मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहाँ हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुँचाया, वहीं बाबा बोकनाथ की कृपा भी वहाँ पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचा था। और मैं बताऊं कि जहां चारधाम में हमारे यहां एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चारधाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं माँ पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहाँ मेला जैसा ना हो, पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे ऊधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाए। इसके साथ ही हमने ये भी अनुरोध किया है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए भी, देहरादून से तो ट्रेन जाएगी, अन्य स्थानों से भी, अयोध्या, लखनऊ, इन स्थानों के लिए हमारी ट्रेनें चलें। ऋषिकेश से भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आना भी चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं, हरिद्वार भी आना चाहते हैं। तो इन स्थानों पर सीधे सीधे बड़े स्थानों से, जो बनारस है, अयोध्या है, ऐसे मथुरा है, इन सब स्थानों से हमारा जुड़ाव रहेगा। तो सीधे सीधे जो धार्मिक लोग जो वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो दर्शन के लिए यहाँ भी आ पाएंगे। इसके लिए हमारी राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने भी हमारे 2 स्थानों को अभी विशेष धनराशि वहाँ दी है। अभी 2 दिन पहले ही उसका भी वहाँ से शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और चार धाम के लिए जो हमारी तैयारियाँ हैं वो चली रही हैं, इस वर्ष अच्छी हमारी ये यात्रा हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में जल्दी ही जब केदारनाथ जी का रोप वे बन जाएगा, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे बन जाएगा, यमुनोत्री का रोप वे बन जाएगा, हमारा पूर्णागिरी धाम के लिए रोप वे बन जाएगा, तो आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा बन जाएगी। अभी बद्रीनाथ धाम एवं चंपावत में स्थित माँ बाराही मंदिर के आज जो विकास के कार्य हैं उनका भी हम शिलान्यास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सच में अगर हम जो लोग, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं, मैं हमेशा ये करता हूँ कि कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन आप सब लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको तो भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से 2014 के बाद काम हुआ है, मोदी जी के बनने के बाद किस तरह से देश आगे बढ़ा है, दुनिया में किस तरह से हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है, वैश्विक रूप से हमारी पहचान बढ़ी है। हाँ, ये जरूर है जो बच्चे इस बार पहली बार वोट देने आएंगे
उनको नहीं पता होगा कि 2014 में कैसी सरकार थी उससे पहले। उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार के काम होते थे, लोग हम घपले घोटाले और तमाम चीज़ें जो है गिनते ही रहते थे, क्योंकि वो बच्चे तो 4 साल के होंगे उस समय, जब 8 साल के होंगे या 7 साल के होंगे 10 साल पहले। तो वास्तव में उन बच्चों को भी जरूर बताना चाहिए कि ये कोई उसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि पहले के समय में देश की आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास जरूर बताया जाना चाहिए कि देश के कालखंड में किस कालखंड में क्या क्या काम हुए, किस कालखंड में किस प्रकार से पढ़ा। वैसे देश में जो हमारा प्रधानमंत्री म्यूजियम जो दिल्ली में है, मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि जब भी आप दिल्ली जाएँ तो अपने बच्चों को जरूर प्रधानमंत्री म्यूजियम दिखाना चाहिए। उसमें एक एक प्रधानमंत्री के बारे में कि किसने ये काम शुरू किया, किसने परमाणु में पोखरण का परीक्षण किया, किसके समय में कौन सी योजना प्रारंभ हुई, किसके समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आई, किसके समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, ये सारे के सारे बहुत अच्छे से। चूंकि मैं भी एक दिन बड़े शॉर्ट टाइम के लिए मैं गया, एक सवा घंटा मुझे लगा, देखने के बाद बहुत मेरा स्वयं का भी ज्ञान वर्धन हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चों को इसमें दिखाया जाना चाहिए और कम से कम स्कूली शिक्षा के जो हमारे विभाग हैं उनको ये कार्यक्रम जरूर बनाना चाहिए। 2014 और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। मोदी जी के समय में हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, और पहले में और अब में अंतर यह है, आप स्वयं फर्क महसूस देखते होंगे कि पहले योजनाएं आती थी, ऐसा नहीं कि योजनाएं पहले नहीं आती थी, अब आ जाती थी योजनाएं, एक वो बना रहता है टाइम टेबल बना होता है कि ये योजना आनी है वो योजना आनी है, लेकिन अब के समय में जो योजना आती है वो योजना आती है जिसकी वास्तव में लोगों को आवश्यकता होती है, जिससे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिले, उनका जीवन अच्छा बन सके, उनका उत्थान हो सके, बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। ऐसी योजनाएँ आज बनाई जा रही हैं किसान से लेकर जवान तक और शहर से लेकर गाँव तक, हर वर्ग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है वो काम कर रही है। और हमारे राज्य से जो प्रधानमंत्री जी का लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है। हमने जो टोपी धारण करी है मैंने और मुख्य सचिव जी ने, तो ये टोपी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो है लाल किले में 2022 के 26 जनवरी के दिन इसी टोपी को उन्होंने धारण किया था। और जो भी आज विकास के काम हो रहे हैं, चहुमुखी जो विकास हो रहा है हमारे राज्य का बहुत तेजी से, अभी एक दिन संधू जी, जिस दिन हमारा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हो रहा था, हिमालयन जो हमारा नया केंद्र खुला है यहाँ पर, तो उस केंद्र में मेरे बगल में बैठे थे, तो थोड़ी देर कार्यक्रम आने में कुछ विलम्ब हो रहा था वहाँ से, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तो उस दिन मुझे कह रहे थे कि सर ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी इतने साल अपनी सेवा दी है, 34-35 साल, कितने साल आप और संधू साहब तो एक ही साथ आए थे, हाँ 34-35 साल उन्होंने मुझे कहा, बोले इतना काम जितना अभी तेजी से उत्तराखंड में हो रहा है मैंने पहले कभी नहीं देखा, बोले और कहीं भी मैंने इस तरह से काम होते हुए नहीं देखा, बोले प्रधानमंत्री जी की उनका आशीर्वाद है, हमारे यहाँ से उनका लगाव है और भगवान की भी कृपा है कि बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। अगर हम आप उठाकर देखिए तो आप कितने काम हो रहे हैं धड़ाधड़, कहीं पेयजल के हो रहे हैं, कहीं बिजली के हो रहे हैं, कहीं सड़कों के हो रहे हैं, हैं लगातार काम चल रहे हैं, अवस्थापना के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। आज जिन कार्यों का भी हम लोग यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, इसमें से भी बहुत सारे काम केंद्र के सहयोग से हो रहे हैं या केंद्र पोषित योजनाओं के द्वारा हो रहे हैं, उनकी सहायता से पूरे कराए जा रहे, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र की सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूं। मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां हम विभिन्न जो योजनाएं हैं विकास की उनको धरातल पर उतार रहे हैं, और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी हम आज उत्तराखंड में उनके मार्गदर्शन में ले पा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है अपनी विधानसभा में पारित किया, और निश्चित रूप से ये जो विधेयक है उत्तराखंड में, जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर संपूर्ण देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की, समान अधिकारों की जो ये गंगा है, यह भी अन्य राज्यों को भी
आने वाले समय में लाभ देगी, अन्य लोगों को भी जो है निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा इसके लागू होने से। विशेषकर हमारी मुस्लिम बहनें बेटियों को एक तरह से उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी हैं, और बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी, पुरुष वर्ग को भी, बुजुर्गों को भी, इसमें उनकी भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। और इसके लागू होने के बाद मैं विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गया, विशेषकर से उधम सिंह नगर और हरिद्वार में और देहरादून में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें अलग से धन्यवाद करने के लिए आई, और वो कोई छोटी संख्या नहीं थी कि 10-20 आ जाए, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम बहनों ने आकर धन्यवाद किया है। निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा को बढ़ाना उन्होंने बढ़ाया है। मैं अभी 4 दिन पहले नजूल भूमि के पट्टों को वितरित करने के लिए गया था, तो उसमें भी एक बड़ा ग्रुप आया और उन्होंने सबसे पहले कहा रास्ते में रोक के कि हमने, आपने UCC लागू किया है, इसका हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, एक ये बड़े एक बड़ा बदलाव जो आज जिसकी हमें आवश्यकता थी उसकी ये शुरुआत है। हमने नकल विरोधी कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जिसका आज चारों ओर एक सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कल हम कार्यक्रम में थे उमेश भाई और हम लोग, तो उसमें भी जो है जब वहाँ से मंच से पूछा जा रहा था तो वो बोल रहे थे कि प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून का बहुत असर है, UCC का बहुत असर है, धर्मांतरण का बहुत असर है, अभी जो हम दंगा निरोधक जो कानून लेकर आए हैं उसका भी बहुत असर है। हल्द्वानी में गया तो लोगों ने उसका भी जो है हमको बड़ा उन्होंने बड़ा हमारा प्रोत्साहन किया। और विशेषकर से नकल विरोधी जो कानून है वो तो एक हमने जो ऐसा कानून बना दिया कि वो आज पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया है, अन्य राज्य भी आज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी कई राज्यों की जो समाचार पत्रों में आता है कि आज ये लीक हो गया, आज वो लीक हो गया, और मेहनत करने वाले जो बच्चे थे उनका मनोबल किस प्रकार से कम होता था। और थोड़ा सोचिए कि जो माता पिता अपने बेटे बेटियों को बहुत कठिन हालातों में पढ़ने के लिए भेजते थे और उसके बाद उनका चयन में नंबर नहीं आता था, तो कितनी खराब स्थिति होती थी उन माता पिता की भी और उन बच्चों की भी, उनके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से, सामाजिक किस प्रकार से उनका आगे उनको फेस करना पड़ता था। ये हमारे लिए वास्तव में बड़ा कठिन समय था और आप सब ने जो है उसमें हम सब का हौसला बढ़ाया और हमने भी निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद भले ही 100 लोग उसमें जेल में चले गए, लेकिन आज हर एक बेटे का, बेटी का, भाई बहन का जो भी परीक्षा में भाग देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं उन सब का मनोबल ऊंचा है, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर हम मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, हमारे अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होगी तो उनको अब कोई भी रोक नहीं सकता, उनका चयन अवश्य होगा। और मैं जब नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए जो भी हमारे इसी सभागार में हमारे प्रेम भाई धन सिंह जी, हमारे सारे विधायक गण कई सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हुए हैं, जब हम चयनित अभ्यर्थियों को उनके पत्र देते हैं तो वो किस प्रकार से धन्यवाद करते हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि उनके माता पिता वो धन्यवाद करते हैं, तो लगता है कि वास्तव में कुछ संतोष होता है कि एक अच्छा काम हुआ है। और उसके लिए उसका मैं श्रेय स्वयं को नहीं देता हूँ, उसका श्रेय सबको है, पूरे राज्य की जनता को है कि कठिन समय में उन्होंने हमेशा साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे ही हमने लैंड जिहाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई और आज बड़ी हजारों एकड़ जो भूमि है उससे भी मुक्त करवाई है। आज प्रदेश के अंदर जितने भी विकास कार्य जितने जरूरी हैं उतना ही प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको भी ठीक प्रकार से रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे ये भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ गड़बड़ होती है तो पूरे देश के अंदर हमारा समाचार चला जाता है। आप ये जरूर कहिए कि भाई हमारा राज्य वैसे छोटा है लेकिन हर समय अब यहाँ पर ध्यान रहता है, मीडिया का अटेंशन भी रहता है, अन्य चीज़ें भी रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ 4 धाम है, आदि कैलाश है, ऐसे अनेक धार्मिक स्थल है, उनके कारण से भी हमेशा और देवभूमि को अलग नज़रिए से पूरी दुनिया में देखा जाता है।
आप कहीं बाहर जाएंगे और कहेंगे कि हम देवभूमि से आए हैं, तो आपके प्रति लोगों को जो देखने का नजरिया है वो नजरिया बदल जाता है। तो ये देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो भी बना रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी हमने हमेशा कहा है कि जहाँ पर जरूरी है वो अपने स्तर पर भी निर्णय लें, हमारा गृह विभाग उसमें भी निर्णय लिए, क्योंकि अगर देवभूमि में कोई भी कहीं अशांति फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने यह भी जो है सुनिश्चित किया है कि इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में कुछ असामाजिक लोगों ने दंगे की स्थिति पैदा कर दी थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमारे सुरक्षा बलों के लोग, हमारे पुलिस के लोग, पत्रकार बंधु और विशेषकर हमारी महिला पुलिसकर्मी, उनको किस प्रकार से वहाँ से निकाला गया, किस प्रकार से उनकी जान बचाई गई। बहुत कठिन समय था और हम लगातार यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, हम लोग मुख्य सचिव जी यहाँ से बैठकर पूरा देख रहे थे। और मैं जब उनसे मिलने गया तो पत्रकार लोग किस प्रकार से वो खौफ और डर का और मौत का जो उन्होंने अपने सामने उसको देखा, उस उपद्रव को, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो रोने लग गए जब मैं उनके पास पहुँचा, मैंने देखा। इसलिए हमने कहा है कि एक एक को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। इसलिए हम ये दंगा निरोधक जो कानून है वह भी लेकर आए हैं, क्योंकि अब इसकी भरपाई भी इन्हीं से होनी चाहिए। और हमने इसमें कानून बना दिया है कि अब कोई भी तोड़फोड़ की कोशिश करेगा, नुकसान करेगा, तो उसकी भरपाई उससे होगी। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है उस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप सब, ये जो उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प है, ये हमारे उत्तराखंड की 125 करोड़ जन गण मन सबकी ये सामूहिक यात्रा है। और ये सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक ले जाना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं जो विकल्प रही संकल्प कहता हूँ ये मेरा अकेले का संकल्प है, ये मेरे अकेले का संकल्प नहीं है। आप सब लोगों ने, ठीक है मैं मुख्य सेवक हूँ, मेरे सहयोगी गण हैं, ये सब ध्वजवाहक हैं, ये आगे चल रहे हैं, लेकिन ध्वज इनके हाथ में है, उस पथ का पथगामी हर एक व्यक्ति को बनना है, तभी हमारी यात्रा गंतव्य तक पहुँचेगी। आज मुझे विश्वास है कि जिन कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास हमने किया है, निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के विकास को नई उड़ान देंगे। और हमने जो राज्य को, राज्य की जो GSDP है, 5 वर्षों में जो दुगना करने का लक्ष्य लिया है, 10 सालों का रोडमैप देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है। अभी 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हर एक विभाग कोई ना कोई अपना एक एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, उस विभाग का क्या एक अलग काम हो सकता है, क्या नवाचार हो सकता है, वह भी हमने सभी विभागों के सामने रखा है। सभी विभाग उसमें भी तैयारी कर रहे हैं। और जो हमने GSDP को दुगना करने का लक्ष्य रखा था, जिस हेतु 15% वार्षिक दर से जो ग्रोथ होनी थी, अभी तक उसमें 13% से अधिक ग्रोथ अनुमानित हो चुकी है। यह विकास का हमारा रोडमैप तैयार करने की एक जो रणनीति है, जो भविष्य का हमने प्लान लिया है, जो लक्ष्य लिया है, और हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो हर वर्ष हम लोन लेते हैं, इस साल हमने लोन भी बहुत कम लिया है और 22% से ज़्यादा हमारी जो GST जो है, जो संग्रहण है, वह 23% हमारा GST संग्रहण भी हुआ है। भगवान की भी कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हमको आशीर्वाद है। और हम सब लोग कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करेंगे, हम गंतव्य तक पहुंचेंगे और जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। मैं आप सबका आज इस अवसर पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में, जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, उन सभी को, समस्त उत्तराखंड वासियों को मैं आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। और इन विकास कार्यों में अपना योगदान देने वाले हमारे सभी अधिकारी गणों को, सभी हमारे श्रमिकों को, कर्मचारियों को, उनको भी, उन सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूं कि उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। आप सबका एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही आपके ये आशीर्वचन हमारे भविष्य के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि वे यहाँ इस कार्यक्रम के धन्यवाद स्वरूप अपना उद्बोधन करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं अपने बहुत ही व्यस्ततम कैलेंडर से इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही पैक्ड शेड्यूल था सर का और इसीलिए रविवार के दिन चुना गया और मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे तीनों माननीय मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही यहां उपस्थित सभी माननीय विधायक गणों को कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्य सचिव महोदया को और प्रमुख सचिव सुधांशु सर को कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरे कोलीग सेक्रेटरीज और समस्त विभागाध्यक्ष उनको इस अल्प अवधि में ही कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभी उपस्थित यहां आए हुए अतिथिगणों को मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।